तो भैया जिंदगी भर साथ निभाने के लिए आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ बड़ा दोस्त। अगर कोई आपके साथ देने वाला नहीं है, जिंदगी भर साथ निभाने वाला कोई नहीं है, तो ये गाड़ी आपको देगा बड़ा दोस्त। एकदम आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा दोस्त का ये बड़ा गाड़ी लग गया है। अब ये बड़ा दोस्त में लोग क्या कंफ्यूजन रहते हैं ना कि भाई हर जगह बड़ा दोस्त आखिर कितने मॉडल्स में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल 11 मॉडल में ये गाड़ी आता है। अभी वन बाय वन करके मैं सभी मॉडल्स का वीडियो डालूंगा, क्योंकि भाई हम लोग हैं झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट डाल्टनगंज से। अब होता क्या था कि डाल्टनगंज में अशोक लेलैंड का कोई डीलरशिप था नहीं, तो मेरे को क्या बाहर जाना पड़ता था। अब बाहर जाएंगे तो भाई 11 मॉडल के लिए 11 दिन तो नहीं रुकेंगे, लेकिन फाइनली अब अपने डाल्टनगंज में अशोक लेलैंड का शोरूम खुल गया है, जो कि आपको पड़वा मोड़ वाले रास्ते में NH 75 पे पड़ेगा, टिकुलिया नियर बिस्पुट्टा से आगे अगर आप पड़वा मोड़ वाले रोड पे जाते हो तो यहाँ पे आप अशोक लेलैंड का शोरूम खुल गया है। यहाँ पे आपको अशोक लेलैंड का हैवी कॉमर्शियल व्हीकल से लेकर आपको लाइट कॉमर्शियल व्हीकल भी मिलेगा, एम्बुलेंस भी मिलेगा, हर एक गाड़ी यहाँ पे धीरे धीरे उपलब्ध होने लगा है। अभी ये शुरुआत है, तो ये चीज तो मैं आपको शोरूम का एड्रेस बता दिया। आइए चलिए अब जानते हैं इस बड़ा दोस्त में क्या कुछ बड़ा है। सबसे पहले तो भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ ना, तो आप खुद देखोगे कि यार कॉमर्शियल व्हीकल इतना बड़ा, वो भी पिकअप, अपने सेगमेंट की पिकअप भी जितना है ना कमर्शियल व्हीकल में, अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बड़ा गाड़ी यही है। कैसे है आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ। ये जो चीज आप फ्रंट लुक देखोगे ना, यहाँ पे अशोक लेलैंड का आपको बेजिंग मिलता है क्रोम के ट्रीटमेंट में, साथ ही साथ दो वाइपर्स आपको फ्रंट पे मिलता है। और ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये इसका जो विंडशील्ड है ये बिल्कुल एरोडायनेमिक है। एरोडायनेमिक में क्या होता है कि माइलेज बढ़ता है। कैसे माइलेज बढ़ता है, जब भैया आप गाड़ी को रोड पर लेकर चलाते हैं तो जो हवा का रिफ्लेक्शन आता है ना, जैसे आप गाड़ी को इस साइड से लेकर चलाएं, हवा आपका इस साइड से मारेगा, तो वहां पे दोनों के बीच में टकराव होता है। जब टकराव होता है तो वहां पे आपका स्पीड कम होता है, और आप लगाते हो पावर ज्यादा और वहां पे आपका स्पीड गाड़ी का होता है कम, तो उस जगह पे इंजन में ज्यादा लोड पड़ता है, और जब ज्यादा लोड पड़ता है तो माइलेज भी ज्यादा आपको देने, मतलब माइलेज बहुत कम देता है। ठीक है, इसके लिए कंपनी एरोडायनेमिक्स बनाया ताकि हवा आपको इस साइड से फ्लो हो जाए, आपके गाड़ी पे कोई भी दिक्कत नहीं हो। और माइलेज जो इस गाड़ी का कंपनी क्लेम करता है ना, वो सुनकर भी आप शॉक हो जाओगे, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसका एक्सपेक्टेड माइलेज कितना है। सबसे पहले आइए इसका फ्रंट लुक देखते हैं। फ्रंट लुक में मैंने आपको दिखा दिया, इसका दो वाइपर्स देख लिए, अशोक लेलैंड का बेजिंग देख लिए, साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट है ना, ये आप देखोगे रिफ्लेक्टर बेस्ट में हेलोजन का हेडलाइट मिलता है आपको। मैं हजार्ड लाइट भी इसका ऑन कर दिया हूं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का ब्लिंक करता है हजार्ड लाइट। बाकी आप यहाँ पे देखोगे कॉमर्शियल व्हीकल में ये जो टेप आता है ना, ये टेप बहुत ज्यादा अच्छा होता है। किसी भी दूसरे गाड़ी का रात के समय में आप चलोगे तो जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आगे साइड से यहाँ देखोगे तो ग्रिल के तौर पे आपको कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसके साथ साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। आप देखोगे काफी शानदार आपको इसका ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। साथ ही साथ अभी आपको मैं ग्राउंड क्लीयरेंस बताऊंगा तो आप शॉक कर जाओगे, 206 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो गाड़ी है ना, 4x4 में नहीं है, 4x2 के एक्सेल में है। आपको मैं साइड से दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दरवाजे के पास बड़ा दोस्त का आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ फेंडर के जस्ट ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। ओआरवीएम की बात कर ले तो आपको नॉर्मल सा ओआरवीएम मिलता है। दरवाजा के पास आप देख सकते हो ब्लैक कलर का आपको डोर हैंडल मिल जाता है। आइए अब इस साइड से आपको टायर का प्रोफाइल चेकआउट कराते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कंपनी यहाँ पे C8 का टायर प्रोवाइड करती है, जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात कर लू तो आप यहाँ पे देखोगे 7.0R15 भैया 15 इंच का आपको यहां पे कंपनी टायर देती है। साथ ही साथ इस गाड़ी को हेवी कमर्शियल व्हीकल जैसे हम मैं कहता हूं ना, तो सस्पेंशन, इसका एडजस्टेबिलिटी, रोड प्रेजेंस, सस्पेंशन आपको मैं यहां पे दिखा दूं ना, तो आगे से आप जाके इसके नीचे का सस्पेंशन देखोगे तो ये टोटल लीफ स्प्रिंग का, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप का तीन पत्ती के साथ आपको इसका सस्पेंशन मिलता है। सबसे पहला जो आपको फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है वो तीन पत्ती के साथ आपको इसका फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको मैं उस साइड से अगर मैं चल के दिखा दूं तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका जो केबिन एरिया है ना, केबिन एरिया काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। एक दरवाजे के पास आप देखोगे, मैं कह रहा था कि बड़ा दोस्त का 11 वेरिएंट होता है, 11 वेरिएंट में आपको i4 का LS वेरिएंट, ये मैं भी आपको दिखा रहा हूं। दरवाजे के पास आप यहाँ पे लॉक का सिस्टम है, दरवाजे को जस्ट खोलते हैं, खोलने के बाद अभी मैं अंदर आपको दिखा दूं तो ये देखिए दरवाजा भाई काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप देखोगे म्यूजिक सिस्टम भी है, बॉटल होल्डर्स भी है, यहाँ पे भी म्यूजिक सिस्टम है भाई, पूरा कार वाला फील देता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ स्टीयरिंग की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो चीज है ना, अभी सबसे पहले बैठेंगे, बैठने ही समय मैं कह दिया था भाई मैं सच में ये बड़ा दोस्त पे बैठ रहा हूँ। कैसे बड़ा दोस्त पे बैठ रहा हूँ, बाकी जनरली गाड़ियों पर बस डायरेक्ट गया से बैठ गया, बट इसमें आपको इसका सहारा लेना बहुत जरूरी है भैया। क्यों, इस इतना ऊंचा गाड़ी है कि आप चढ़ ही नहीं पाओगे ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पैर रखें,
इसको पकड़े और ऐसे बैठ गए यहाँ पे, कुछ इस टाइप से बैठेंगे। बैठने के बाद अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो नीचे साइड से आपको इसका हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पे मीटर कंसोल अगर मैं आपको दिखा दूं तो सबसे पहले चलो इसका की मैं लगाता हूँ। की लगाने के बाद अभी आपको इसका मीटर कंसोल भी मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखना, ये देखो इसका ये है कुछ मीटर कंसोल। आप यहाँ पे देखोगे आपको डिजिटल में मिलता है एडब्लू का ऑप्शन, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एडब्लू का ऑप्शन में मिलता है, आरपीएम लिमिट मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, टर्न इंडिकेटर का मिलता है, ये सारा चीज आपको इसमें डिजिटल मिलता है। साथ ही साथ हजार्ड लाइट, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आप चाहो तो लगा सकते हो। ग्लोव बॉक्स आपको मिलेगा काफी प्रीमियम, आपको यहाँ पे इसका ग्लोव बॉक्स मिलता है। स्टीयरिंग और ये जो डैशबोर्ड देखोगे ये भी काफी प्रीमियम रहता है। और सबसे बड़ा चीज ये जो चीज है ना, ये आपको यहीं पे 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स और एक रिवर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट देखोगे एलईडी में लाइट्स मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे वाइजर की बात करें तो वाइजर कुछ इस टाइप से मिल जाता है। और केबिन एरिया जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, इसका जो केबिन एरिया ये देखोगे ये काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे ड्राइवर प्लस दो लोग बैठ सकते हो और यहाँ से आप अपने बॉडी को, कार्गो बॉडी को भी देख सकते हो। ये देख रहे हो, यहाँ से कार्गो बॉडी को भी देख सकते हो। अभी चलिए आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड एक बार मैं चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट को बढ़ाऊंगा, एग्जॉस्ट को बढ़ाने के बाद इसका साउंड आपको चेकआउट कराता हूँ। ये सुन रहे हो, अभी सुनना आप। तो कुछ ये है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड, अभी मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी दिखा दिया। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है इस गाड़ी में। दूसरा बड़ा चीज ना अभी मैं आपको उतरते के साथ बताता हूँ, ये जो गाड़ी है बड़ा दोस्त इसमें ड्राइवर प्लस दो लोगों का अथॉरिटी मिलता है भाई। मतलब आप इस गाड़ी को चलाने के लिए तीन लोग आसानी से बैठ सकते हो। तीन लोग बैठने के बाद आप बड़ा ही मजे से गाड़ी चलेगा। आपको अथॉरिटी भी मिलता है डी प्लस टू। आप यहाँ पे देखोगे ड्राइवर के साथ दो और सीट बेल्ट का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे सेफ्टी के तौर पर अगर देखें तो वहां भी सीट बेल्ट है और हमारे पीलियन ड्राइवर के लिए भी सीट बेल्ट है। एक सीट बेल्ट वहां पे और एक सीट बेल्ट वहां पे। मतलब कंपनी तीनों लोगों को बैठने के लिए पूरा सुरक्षा का इंतजाम करा देती है। अब बात करते हैं इसका इंजन सेक्शन, तो आप नीचे में देखोगे यहाँ पे आपको इसका इंजन सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि मैं बता दूं आपको ये जो गाड़ी है 1.5 लीटर डीजल इंजन में मिलता है, 3 सिलेंडर के साथ रहता है। पावर की बात करें तो 70 एचपी की मैक्सिमम पावर है और टॉर्क की बात करें तो 170 न्यूटन मीटर की इसकी मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। भैया आप गाड़ी को सबसे पहले यहीं से देखोगे तो आपको यहां पे एक्साइड का बैटरी दिख जाएगा। भैया इसमें आपको एक्साइड का बैटरी मिलता है, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है नीचे से देखोगे। और यहाँ पे इसके पीछे की सस्पेंशन की बात करें ना तो 6 लीफ स्प्रिंग के साथ आपको पैराबोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और दूसरा चीज इसका जो चेसी है ना, ये जो चेसी देख रहे हो यहाँ पे, आप ये जो चेसी देखोगे ये चेसी की मोटाई भी काफी ज्यादा अच्छा है और ये डाला से, ये कार्गो बॉडी से इसका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा सही मिलता है, वो बहुत ज्यादा सही मिलता है। पीछे की टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ भी आपको जो सेम है ना वो 15 इंच का आपको यहाँ पे टायर मिलेगा। आ जाते हैं इसके पीछे साइड से, तो पीछे साइड से आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट इसके पीछे साइड से कुछ इस टाइप का लुक है। अशोक लेलैंड का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलता है, हिंदुजा ग्रुप का बैजिंग मिलता है और इसके साथ साथ अभी यहाँ पे देखोगे टेल लाइट है। स्पेयर व्हील्स आपको कुछ यहीं पे मिल जाता है। बाकी पार्किंग सेंसर मिलता है यहाँ पे, आप देखोगे एक पार्किंग सेंसर, दो पार्किंग सेंसर पीछे से। भैया आपके गाड़ी में कुछ लगे नहीं इसके चलते सुरक्षा के तौर पे मिलता है। एक और पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है। पार्किंग सेंसर तो मैं आपको बता दिया। अब इसका जो ये जो बॉडी देखोगे ना भाई, काफी ज्यादा बड़ा बॉडी मिलता है। इस बॉडी में आप बहुत ज्यादा लोड एडजस्टेबिलिटी मिलता है। इसका पेलोड कैपेसिटी अगर आप देखोगे ना वो भी बहुत ज्यादा मिलता है। और बहुत सारे मॉडल में मैं आपको बताया 11 मॉडल है, 11 मॉडल में क्या देखोगे कि किसी का जो बॉडी है वो हाफ मिलेगा, किसी का बॉडी देखोगे फुल में मिलता है। तो ये जो गाड़ी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टोटल फुल बॉडी में दिखा रहा हूं। अभी इसका लोड कैपेसिटी में बताता हूं कि इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, इसका ओवरऑल लंबाई क्या है, लेंथ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं पूरा गाड़ी का अगर आपको इसका ओवरऑल लेंथ बताऊं ना, तो ये पूरा गाड़ी का 4671 mm के आसपास इसका टोटल लंबाई है। ये जो टोटल लंबाई आप देख रहे हो ना 4671 mm का टोटल लंबाई मिलता है। चौड़ाई की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 1793 mm के आसपास इसका टोटल चौड़ाई मिल जाता है। और वही व्हील बेस यानी आगे का चक्का और पीछे का चक्का का जो बीच का गैपिंग है, बीच का डिस्टेंस है, वो 2350 mm के आसपास इसका व्हील बेस मिलता है। साथ ही साथ इसका जो पेलोड कैपेसिटी है ये बॉडी में, ये कार्गो बॉडी में पेलोड कैपेसिटी जो है वो 1825 kg के आसपास इसका पेलोड कैपेसिटी है। कंपनी क्लेम करती है भैया ऐसा, इससे ज्यादा आप आराम से लोड करके चला सकते हो। 1825 kg इसका पेलोड कैपेसिटी मिलेगा, लेकिन आप हंसी खुशी से आराम से 3000 kg इस गाड़ी में लोड कर सकते हो। साथ ही साथ
बात करते हैं इस गाड़ी का ना, फ्रंट के टायर मैंने बता दिया। अब दूसरा बड़ा चीज आप लोग जानना चाहोगे कि आखिर ये कार्गो बॉडी की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो लंबाई की अगर बात कर ले तो 9.8 फीट, यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं 10 फीट के आसपास इसकी सिर्फ कार्गो बॉडी की, ये जो डाला देख रहे हो ना, ये डाला का आपको लंबाई मिलता है। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 5.9 फीट, यानी 6 फीट के आसपास आपको इसका कार्गो बॉडी का चौड़ाई भी मिलता है। सोच सकते हो 10 फीट का लंबाई और 6 फीट का चौड़ाई आपको इसका कार्गो बॉडी में मिलेगा। और वही ग्रॉस वेट की अगर बात कर लेते हैं, टोटल इसकी वेट कितनी हो जाती है, तो 3490 kg के आसपास इसका टोटल वेट हो जाता है। साथ ही साथ आइए आपको इसका फ्यूल टैंक दिखाता हूं मैं। यहां पे अगर आप आओगे तो आप यहां पे देख सकते हो काफी बड़ा इसका फ्यूल टैंक मिलता है, 50 लीटर के आसपास इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और भैया यहाँ पे है यूरिया का, आप यहाँ पे डीएफ डाल सकते हो। अभी डीएफ का मेरे को फ्यूल कितना कैपेसिटी है वो नहीं पता, वो स्क्रीन पे शो करेगा, आप देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस क्या है, तो 9,34,000 रुपए के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की अगर बात कर ले तो लगभग 9,97,000 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है, वो भी कहां पे, हमारे शहर डाल्टनगंज के श्री उदय ट्रेडर्स, आप यहां पे देख सकते हो नियर टिकुलिया बिस्फुट्टा पड़वा मोड़ वाले जो NH75 है उस पे ये नया डीलरशिप खुला है, वहां पे ये गाड़ी अवेलेबल है। आप लोन एंड फिनांस भी करा कर सकते हो, लोन एंड फिनांस का भी फैसिलिटी है, आप कराकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोबारा नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।